राजनांदगांव में एक दोस्त ने पहले अपने दोस्त के साथ बर्थडे मनाया, केक काटा और फिर दोस्त का गला काट के उसे मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। महारानी लक्ष्मीबाई स्कूल के पास व्यस्तम मार्ग पर अपने ही मित्र की दिन दहाड़े चाकू से गोद गोद कर हत्या कर देने का मामला सामने आया है, जहाँ आरोपी मनीष वर्मा उर्फ छोटू खैरागढ़ में पकड़ा गया है। इस सनसनीखेज घटना की वजह यह थी कि मृतक निकलेश पटेल नशे की हालत में अक्सर अपने दोस्त छोटू वर्मा को नीचा दिखाता था। आरोपी छोटू ने अपने हम उम्र दोस्त को अपने जन्मदिन के मौके पर ही क्रूरतापूर्वक मौत के घाट उतार दिया। घटना के पहले दोनों दोस्तों ने एक साथ केक काटा, शराब पी और फिर दोस्त का गला काट दिया। थाना कोतवाली से तत्काल टीम गठित कर आरोपी मनीष वर्मा उर्फ छोटू को खैरागढ़ में पकड़ा गया है। महारानी स्कूल के पास सोनू पटेल नामक युवक की हत्या हो गई थी। जांच पड़ताल में पता चला कि इसकी हत्या इसके ही दोस्त मनीष वर्मा ने की है और वो भाग गया था, तो पतासाजी में खैरागढ़ में पाया गया। खैरागढ़ पुलिस की मदद से मनीष वर्मा को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्तमान में उसे जेल भेजा जा रहा है। विवेचना में ये पता चला कि ये दोनों आपस में दोस्त थे, मृतक सोनू पटेल और आरोपी मनीष वर्मा। मनीष वर्मा का एक दिन पहले जन्मदिन भी था, तो ये जन्मदिन की पार्टी मनाते हुए भट्टी से शराब पी के घूम रहे थे और अचानक ही इनका वाद विवाद हुआ। तात्कालिक वाद विवाद में आवेश में आके मनीष वर्मा ने सोनू पटेल की हत्या कर दी। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।